पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई तो गुजरात में सरकार बनाने के लिए केजरीवाल में उत्साह जग उठा है। मगर शायद आम आदमी पार्टी ये भूल गई है कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में थी, जबकि गुजरात में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी के 27 साल पुराने गुजराती अनुभव को हरा पाना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। और इस बात को साबित करने के लिए सीधा गुजरात से ही एक बड़ा सबूत सामने आया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वो चुनाव प्रचार के लिए लगातार गुजरात के दौरे पर हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से दोनों सीएम रैली भी कर रहे हैं, लेकिन गुजरात में दोनों ही नेताओं की ऐसी बेइज्जती हो रही है जिसकी कल्पना पार्टी ने नहीं की होगी। केजरीवाल के रोड शो और उनके सामने मोदी मोदी के नारे तो लग ही रहे थे, और इस बार भगवंत मान की रैली में मोदी मोदी के नारे लग गए। गुजरात के तापी में भगवंत मान की रैली निकल रही थी, जहां कुछ युवकों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि बात को संभालते हुए भगवंत मान ने हाथ जोड़ लिए, मगर इस वाक्य से एक बार फिर साबित हो गया कि गुजरात में अभी भी मोदी लहर की काट कोई पार्टी नहीं कर सकती। इस रोड शो में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और प्रत्याशी विपिन चौधरी भी थे। जिस वक्त नारे लगाए गए उस समय पुलिस ने उन युवकों को वहां से हटा दिया। अब इस घटना के बाद केजरीवाल समेत भगवंत मान और पूरी आम आदमी पार्टी की बेइज्जती हो गई, जहां डैमेज कंट्रोल करने के लिए भगवंत मान ने कहा कि इन लोगों के लिए ताली बजाना चाहिए, क्योंकि शायद इन लोगों के खाते में 15 लाख जमा हो गए हैं और हर साल जो 2 करोड़ नौकरियां दी जानी थी वो नौकरी भी उन्हें मिल गई है। वहीं जब भगवंत मान से सवाल किया गया कि आपको कितनी सीटें मिल रही हैं, तो इस सवाल के जवाब में भगवंत मान ने कहा कि आप सर्वे में नहीं आती, सीधा सरकार बनाती है। यानी भगवंत मान भी ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी किसी भी सर्वे में सरकार बनाती नहीं दिखती है। वहीं उन्होंने बातों बातों में ये भी स्वीकार कर लिया कि गुजरात के युवाओं को मोदी के राज और बीजेपी के शासन में नौकरी नहीं मिल रही, इसीलिए उन्हें मोदी के अलावा किसी और पार्टी को नहीं चुनना। वो अलग बात है कि केजरीवाल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि गुजरात में उनकी दाल नहीं गलने वाली, पर भगवंत मान को गुजरात के युवाओं ने आईना दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।